वही तो कुछ और ही बोल रहे मेरे कुछ दोस्त मित्र लोग। हेलो गाइस, दिस इज नारी फ्रॉम देहरादून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं टपकेश्वर मंदिर और मेरे साथ है पाजी और संजय। तो अभी फिलहाल नीतू और शानू भी आ रखे हैं, हम लोग आगे जा रहे हैं और आप लोगों को टपकेश्वर मंदिर का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। वैसे मैं माइक लेकर नहीं आ रखी हूँ और मेरा कोई प्लान भी नहीं था आने का, बस ऐसी मैं आ गई। ठीक है, तो फिलहाल अभी चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइज ये रहा टपकेश्वर मंदिर का नज़ारा। ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, सब लोगों ने अपने सर में टीके वीके लगा रखे हैं, देखते हैं हम भी लगाते हैं कि नहीं। बट ये मेरी फ्रेंड ने बोला आ जा तो मैं चली गई, बाकी इन दोनों की पता नहीं क्या गप्पे चल रही है। और आज हम सोच रहे हैं कि हम भांग भी ट्राई करेंगे, तो तुम लोग रेडी हो भांग ट्राई करने के लिए? हम तो भाई भूख लग रही, खाने के लिए रेडी है। ये भुक्कड़ है यार, ये भांग वाले नहीं है। तो आज हम पीने वाले हैं जोटा, जोटा ही तो बोलते हैं शायद उसे। ठीक है, तो चलिए फिर। ये तो रे, ये देखो मेरे दो मित्र जा रहे हैं और ये जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो जोटा पीने के बाद? अबे तुझे रास्ता नहीं पता, तू जो तूने गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी, वहाँ करती ना, यहाँ से कॉलेज के लिए आती थी हम पहले। यार मेरे को नहीं मजा, तो यार इसी लेन में चलने में है ना, फिर मेले का मजा ही क्या। जब हम क्या लगाया तूने सर पे, पता नहीं कुछ लग गया। देखो गाइस यहाँ पे ये सब हो रहा है और ये हीरोइन कहाँ, इतने दिनों बाद, नहीं सालों बाद, सॉरी एक साल बाद। चल गाड़ी खड़ी तो कर, किसी घर के बाहर कर ले, कर ले फिर चल आ जा। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ। मैडम तो कैसी हैं आप? नहीं अच्छी तो लगी रही। हाँ पाजी कौन सा चश्मा ले रहे हो? हाँ हमारे साथ है पाजी। पाजी ये मेरी फ्रेंड है और ये संजय, छानू जानता है। हाँ नहीं ऐसे चिंकी की तरह बहुत बढ़िया लग रहे हो, कमाल एकदम धमाल। पाजी आप क्या करोगे, आपकी नजरें तो यार, नजर सही हो जाएगी मेरी। तूने हेलमेट भी नहीं रखा स्कूटी में? कौन सा सामान? जैकेट और रैकेट रखी। अच्छा, ये आने वाली थी। इतनी देर से मैं पूछा, पता नहीं कौन आ रहा है। उसको मालूम है ना मैं बगल में हूँ, मैं ही तो आऊंगी और कौन आएगा। मेरी दिमाग नहीं है तेरे अंदर, तेरे पास तो बहुत पैसे हैं, भेजा नहीं है क्या? मुझे नहीं बताया कि सालों कितनी देर में निकल रहा हूँ। मालूम है तो मुझे सरप्राइज। ओ हेलो, अब हम बात भी नहीं करते। तुमने मुझे बर्थडे विश नहीं करा, इसने मुझे कॉल ही नहीं करा। मैसेज तो करा ना, सिर्फ मैसेज करा। वो बहुत तेरे लिए नहीं, अब तेरे को मैसेज भी करते, वो भी बहुत। मुझे तो मैसेज भी नहीं करा था। रोएगा क्या? रोऊंगा तो हां। तो आज हमें यहाँ बहुत अतरंगी लोग मिलने वाले हैं, जैसे दो अतरंगी तो सारे अपनी अपनी जॉब छोड़ के निकल रखे बाहर। पता है मैं हॉस्पिटल से क्या बोल के आ रखी हूँ, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट की दूरी पर तुम लोगों से मुझे कॉल करना, मैं पहुँच जाऊंगी। नीतू बोल सकती है। मम्मी ने कहा जा रहा है दीक्षा नीतू के साथ, सच में तुम लोगों के साथ आ गया। देखा शानू कितना खुश हो गया। अरे ये भी क्यूट लग रहा है यार, इसमें सीटी देना। कितने का अंकल ये? 250। तो गाइस नीतू ने ना एक अंकल को बहुत इरिटेट कर दिया, उनके बैग इधर से उधर कर दिए। अरे यार बहुत भीड़ है यहाँ, मुझे नहीं आना यहाँ। वाओ कितने अच्छे अच्छे हैं ये। वाओ आप व्लॉग में भी आ रहे हो अंकल, फिर मैं अपने लिए गले का भी देख रही हूँ ना, अगर आप सही लगा रहे हो तो मैं गले का देख रही हूँ फिर।
कर लो 90 कर, पे कर भाई। ओ साथ में काई के ले, पे कर, एक बार लगा के देखो। मेरा ब्लॉग आज बहुत मस्त बन गया। तो गाइज यहाँ पे मैं अपने गले के लिए भी कुछ ले लेती हूँ। ये कितने का अंकल? ये 150। 150 का है। और बाकी 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 ये ले ले। अबे मेरे पास है यार ऐसा। ये भी बहुत बड़ा हो गया। ये वाला ठीक है ना अंकल? इसे थोड़ा ठीक लगा लो, 90 कर दो। क्या? अच्छा 100 कर दो। क्या अंकल? अच्छा तो लग रहा। तो अंकल, तो गाइस मैंने ले लिया अंकल से 100 रुपीज में। अंकल 150 बोल रहे थे। कितना क्यूट लग रहा ना, प्यारा सा। गाइस हमने अपनी मनपसंद इयर रिंग और गले का नेकलेस ली। नेकलेस नहीं है यार, वो क्या है, नेक चेन कह सकते हैं। हाँ नेक चेन बोल सकते हैं। तो वो काफी ज्यादा अच्छा है और हमने बहुत ही डिस्काउंट में लिया है। जीएस चेन लिया हमने। हाँ जीएस चेन। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, इनके जो इयररिंग है वो है ओनली 90 रुपीज की, जिसको डिस्काउंट कराया है मैंने और इन्होंने थैंक यू भी नहीं बोला। और मैंने अपना जो नहीं बिल्कुल नहीं, चलो छोड़ो कुछ नहीं होता। 15 यार लेने का मन था मेरा, बट मेरा बजट नहीं बना। यहाँ पे हमने अपना हेलमेट रख दिया और जूते हमारे कहाँ पर है, यहाँ पर हैं। ठीक है, इनकी देख रेख करना। तो चलो प्रसाद ले लेते। क्या हुआ? सॉक्स तो निकाल देता पगले। तो आंटी ले लूँ फिर? तो गाइज नीतू ले रही है। ये कितने का है नीतू? कितने का बोला? 100 का है। अच्छा हमने ये ले लिया। ठीक है आंटी, ये हमारा 2020 का है। हाँ इसके अंदर है ना सब जो नीतू ने लिया 100 वाला। तो गाइज अब मैं बेल घंटी कैसे बजाऊं? बजाओ मैं। वैसे तो हाथ धुलने थे यार अभी वो खरे ना। हाँ कुछ तो ऊट पटांग नहीं, कुछ ज्यादा ही ऊट पटांग करा था। ये यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हैं? 17 में आई थी। हाँ तो फिर हम भी काफी टाइम बाद आ रहे हैं। कॉलेज के बाद अभी आ रहे होंगे। कॉलेज में तो मतलब हमारा हर अगले दूसरे हाँ हर अगले दिन हम यहीं आते रहते थे। नहीं कॉलेज कम जाते थे, यहाँ ज्यादा आते थे हम। यहाँ पढ़ रहे थे पर यार, पर बहुत मजा आता था कॉलेज के टाइम में ना, बहुत ज्यादा। हमने जो दिन काटे हैं, जो इन्होंने मुझे भांग पिलाई और फिर उसके बाद मुझे छोड़ दिया, मुन्ना का फिर उसके बाद मुझे छोड़ दिया इन्होंने लावारिस की। ये तो कुछ नहीं, रोटी खा रहे और रोटी में ऐसा अरे बहुत गंदा सीन करा था इन्होंने। भांग पिला दी भाई, बोल रही इतनी कड़वी हो रही, मैं घटक गई। सारे पर ये मजा बहुत आया था पता, एकदम में अबे झाज नहीं बोलते उसे, मदहोश बोलते हैं। मदहोश ना। हाँ सौ रुपए बाल्टी ले लिया सस्ता था। अपने अपने हाथ धुलना प्लीज। इधर देखो, अपने राइट हैंड साइड पे देखो गाइस, अपने हाथ धुलो पहले। ठीक है ठीक है, हम यहाँ पर अपने हाथ धुलेंगे जो हमारे गंदे हाथ है। वैसे तो देवों के देव महादेव कहते हैं अगर मन साफ है तो सब साफ है। Yes. बट फिर भी चलो हाथ भी साफ होने चाहिए। नहीं क्योंकि कोविड आ गया तो मैं नहीं चाहती कि भगवान जी के पास कोविड पहुंच जाए। हैं आज दोस्ती पे दाग लग गया कि तेरा प्रसाद वो वाला है ये नहीं। मुझे पता था भाई ये रोएगा इस चीज के लिए। तो गाइस चलते हैं अब अंदर।
हाँ मैंने तो शानू को पहले ही कह दिया। ज्यादा इतरा रही हो हाँ? शानू प्रसाद लेके जाता इतरा रही और वैसे भी वो तो 50 का मिल रहा था उस तरह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहले एक जना कर लो ना। नहीं तीनों एक साथ कर दे, आ जाओ अभी छोड़ो। क्या आ जा रुको गाइस, चलो हमने मेन दर्शन तो कर ही लिए, बाकी काफी अच्छा है ये टपकेश्वर का मंदिर। छोटा सा है बट बहुत क्यूट सा है और बहुत ही लोग आते हैं यहाँ। अभी बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो, तब वो बोलते थे आ जाओ बच्चों तुम भी मेरी शरण में आ जाओ, बता दूंगा। पर उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाई। हाँ टोकरी पकड़ा दी है तो इसकी टोकरी तो वापस हो जाएगी, भले ही 100 रुपए की थी है। और इसमें से मिलेगा उन्हें थोड़ा सा प्रसाद जो बचा हुआ है। क्या यहाँ पानी वाले एरिया में क्या करेंगे पानी में जाकर? चलना फिर सानू चलो, उधर गुफा है बता एक बहुत भयंकर, इधर से है रास्ता। चलो फिर गाइस इधर देखो, ऐसा करो फिर तो हर हर महादेव, वही तो कुछ और ही बोल। महादेव वाह 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 वाह, एंट्रेंस माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर। सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में आप सभी लोग तो एक दूसरे को कूटने का प्रयास ना करें और धक्का मुक्की तो बिल्कुल भी ना करें। तो गाइज हम लोग मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग के लिए आए हैं और गुडनेस अब यहाँ से हमारी स्ट्रगल शुरू हो गई और जल्दी चलो। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अरे यहाँ से वापस चलो, चल उतर, चल रिक्शा, तू आगे चल, तू बड़ी है ना मेरे से, तू आगे चल, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा पानी प्रूफ, पानी अच्छा। मेरा पानी प्रूफ फिर
फेस देख कितना अच्छा लग रहा, क्यूट क्यूट फेस देखने को मिल रही है गाइस, कितनी बड़ी बड़ी है देखो। बट इस लड़की ने हमें जान बूझ के एडवेंचरस बनाने की कोशिश में लगी हुई है। हमारे 20 रुपए बह गए। अरे यार पैरों के बाल दिख जाएंगे। छानू तू कहाँ लेकर जा रहा है, तू कम पानी के चक्कर में मरवाएगा क्या? यहाँ देखो गाइस कैसे कंकड़ जैसे चुभ रहे हैं, ये देख है वाह ठंडा ठंडा कूल कूल। क्रॉस करनी है तो हमें दो घंटे हो चुके। वो देखिए हमारा दोस्त उस पार्क चला गया है, खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा है और फिर उसके बाद हमें भी देगा, तो चलिए हम चलते हैं। उसने अपने लिए खाने के लिए ढूंढ लिया है और मेरी एक जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा हमें। कैमरा अच्छा जल्दी भागो। चलो चलो चलते हैं फिर, हम बहुत हो गया आज का ड्रामा, ठीक है बहुत था, इतना जितनी एक्टिंग करनी थी हमने मैन वर्सेस वाइल्ड की कर चुके हैं, इससे ज़्यादा एक्टिंग स्किल हमारे अंदर नहीं है। तो अब हमारे जाने का टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा रश हो गया है यहाँ पर, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना इसलिए। तो अब हम सोचे घर की तरफ चल लेते हैं, घर की और हाँ इसको पानी पूरी खाना, ये रहा यहीं पे खड़े होके खाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे गोलगप्पे पानी पूरी खाना है, टोकन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे होने वाला है गोलगप्पे चैलेंज, देखते हैं दोनों कितने गोलगप्पे खा पाते हैं। अच्छा ऐसे दे रहे वैसे में नहीं दे रहे, तो बहुत मोए मोए मोए। मीठा वाला मीठा, खट्टा नहीं मुझे। यार भेल पूरी खाएं क्या? इसको अलग ही एसिडिटी हो रही है गाइस। तो अब हम खा रहे हैं भेल पूरी, कितने का है भैया? ये आपने लाल मिर्च, हरी मिर्च यूज नहीं कर रहे हो भैया? अच्छा अच्छा लाल मिर्च कहाँ है? क्या चीज लाल मिर्च कहाँ है? अच्छा लाल मिर्च कहाँ है? वो ऐसा लाल दिख रहा ना तभी, ठीक है मेरे से गलत फहमी हो गई। क्यों नहीं पा रही है कुछ? तो गाइस काफी ज्यादा मजा आया हमें घूमकर और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, ठीक है। तो फिलहाल हमें हो रही है काफी ज्यादा लेट, तो यहीं पे करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप गाइस आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। नीतू बाय बाय बोलो, बाय बाय गाइस।